Hello everyone, I am here with the first chapter of history class 10th and the name of the chapter is The Rise of the Nationalism in Europe. Means in this chapter we will read about the nationalism in Europe. कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का राइजिंग हुआ मीन्स उदय हुआ इस चैप्टर में हम इसको देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर्थ प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम. 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियू. उन्होंने चार प्रिंट्स की एक श्रृंखला निकाली थी और उस श्रृंखला में उन्होंने अपने ड्रीम में जो कुछ भी विजुअलाइज़ किया था जो कुछ भी देखा था उन्होंने उसका नाम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक रखा. मीन्स फ्रेडरिक सोरियू ने उस समय की दुनिया के लिए उस समय के वर्ल्ड के लिए एक विजुअलाइजेशन देखा था अपने सपनों में और उसको उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का नाम दिया था. Yes everyone, here you can see this figure very easily, the rise of nationalism in Europe. So this is made by the Frederick Sarayou. Isko Frederick Sarayou ne banaya tha. The dream of worldwide democratic and social republic, the pact between nation, a print prepared by the Frederick Sarayou 1848. Is figure mein aap dekh sakte hain ki upar God ko dikhaya gaya hai. उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ नीचे राइट साइड में दिखाया गया है और ढेर सारे लोग एक लंबी लाइन में एक लंबी क्यू में खड़े हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स हैं जो फ्लैग उनकी कंट्री को डिनोट करता है. और उसके साथ ही साथ इस लाइन में आप देख सकते हैं कि मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी इक्वली आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही साथ गॉड के साथ एंजल्स भी आप ऊपर स्काई में देख सकते हैं. सो artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. French Revolution के समय जो भी artist थे उन्होंने liberty का means होता है स्वतंत्रता उसको personification किया था एक female figure के रूप में. मतलब उन्होंने liberty का मानवीकरण किया था और उस मानवीकरण को उन्होंने एक female figure का रूप दिया था. जैसे आप statue of liberty देख सकते हैं statue of liberty में एक lady है तो इसी तरीके से लिबर्टी को पर्सोनिफाइड किया गया एक फीमेल फिगर में. जिस तरीके से हम अपनी कंट्री भारत को भारत माता के रूप में एड्रेस करते हैं पर्सोनिफाइड करते हैं एक फीमेल फिगर के रूप में. थर्ड अकॉर्डिंग टू सोरियूस उटोपियन विजन. उटोपियन का मतलब होता है कल्पना का राज्य कल्पना का आदर्श राज्य. द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशंस कॉस्ट्यूम. चूँकि फ्रेडरिक सोरियू ने जो भी विज़न देखा था वो एक आइडियल विज़न देखा था एक कल्पना का संसार देखा था और उसमें उन्होंने ये विजुअलाइज किया था कि पूरे वर्ल्ड के लोग एक ही ग्रुप में हैं चाहे वो अलग अलग नेशन से क्यों ना हो और उनको सिर्फ उनके फ्लैग और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू ही पहचाना जा सकता है. फोर्थ दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुलाइज बाय सोरियू. इस चैप्टर में जो कुछ भी सोरियू ने विजुलाइज किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिफ्थ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म ये शब्द बहुत तेज़ी से उभरा और उसके साथ ही साथ यूरोप के मेंटली और पॉलिटिकली जो यूरोप का वर्ल्ड था उसमें चेंजेस आए. सिक्स द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. और इस चेंजेस का अंत ये हुआ कि चूँकि उस वक्त यूरोप में अलग अलग डायनेस्टीज़ थी मल्टीनेशनल डायनेस्टीज़ एम्पायर थे यूरोप में जो कि एक नेशन स्टेट के रूप में चेंज हुए. सेवन अ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप.
उस वक्त जो मॉडर्न स्टेट थे यूरोप में, जिनके पावर जो था वो सेंट्रलाइज था, मतलब एक ही पर्सन के हाथों में था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आई लंबे समय के साथ, उसमें भी बहुत से बदलाव आए। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर। लेकिन नेशन स्टेट का मतलब वो होता है कि जिसमें उसके सिटीज़न की मेजॉरिटी होती है, ना कि रूलर की मेजॉरिटी होती है। केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जो कि सभी लोगों के लिए एक कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं, यानी सभी लोग इक्वल हैं। एंड शेयर्ड हिस्ट्री योर डिसेंट, या वो अपने इतिहास को साझा करते हैं। 9th, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर के थ्रू हम एक क्लोज़र लुक लेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशन स्टेट्स का इमर्ज हुआ और उसमें नेशनलिज्म की भावना आई। थैंक यू।